हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं, बट स्टिल आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो अपनी बेबी को डिलीवर किया है जर्मन हॉस्पिटल में या जर्मनी में, तो मैं वो आपको एक्सपीरियंस पूरा शेयर करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स इंडिया की प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं से पता होती है, बिकॉज ऑफ हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं उन्होंने डिलीवरी की होती है या हमने खुद ने एक्सपीरियंस करी होती है। बट जर्मनी में जो है वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है। कुछ बातें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, कुछ बातें अच्छी नहीं हैं, तो वो पूरा जो चिट्ठा है वो मैं आज आप लोगों को सुनाऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है और उस पर हमने रिसेंटली डिलीवरी ब्लॉग जो है वो डाला है, जिसमें बहुत प्यार आया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता हो तो आप वहाँ जा सकते हो, और उस दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ जो है वो उस ब्लॉग में है। और आज मैं बैठ के आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ की प्रोसेस क्या होती है। सेकेंडली, आप लोगों का बहुत डाउट था कि हिबामा का रोल क्या होता है, जो मिडवाइफ होती है उनका रोल क्या होता है हॉस्पिटल में, एंड आफ्टर डिलीवरी क्या उनका रोल होता है, तो मैं आपको ये बताऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको पैक करना है स्टफ हॉस्पिटल के लिए, तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या लेके नहीं जाना चाहिए। प्लस इंटरेस्टिंग टू इंडियन पीपल ऑल्सो, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो यही वीडियो में होगा, तो स्टार्ट करते हैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, पेसेंट ने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है, तो थैंक यू सो मच। और पेसेंट जो है वो एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, फास्ट है, इमीडिएटली आपका मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात जो मैंने रिसेंटली फिगर आउट करी है कि जर्मनी में जब भी आप पैसा जो है वो आपका सेव होता रहता है, ऑफकोर्स आप यहाँ पर रह रहे हो तो यू आर लिविंग हेयर ताकि आपका मनी जो है वो सेव हो, लेकिन अगर जर्मन अकाउंट में मनी होता है तो उसमें कोई सेविंग नहीं होती है। इनफैक्ट आपको पर मंथ जो है वो मेंटेन करने के लिए कुछ मनी जो है वो देना होता है बैंक को। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, मनी जो है वो अपने इंडियन अकाउंट में होना चाहिए। रीज़न सिंपल सा है कि आपका जो भी सेविंग अकाउंट होता है 4% जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यू नो दैट, जो भी मनी आपका उसमें रहेगा तो बिना कुछ किए हुए 4% तो आपको मिलता ही है। प्लस मैंने जो चीज़ फिगर आउट करी है वो मैंने अभी रिसेंटली आरडी बनाई है, तो यहाँ मनी रखने से बेटर है कि वहाँ रखा हुआ है, और आरडी से 7.5% तक जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो मैंने यही सोचा कि बेटर जो है वो मनी ट्रांसफ़र करो। ये बहुत ही बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर कि आपका जो मनी है वो ज़्यादा नहीं हो रहा इन्फ्लेशन के हिसाब से, बल्कि कम हो रहा है, वेयर एज इंडिया में देखा जाए तो कुछ परसेंट तो आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग में। और पेसेंट में बहुत ही ईजिली आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इमीडिएटली जो है वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनकी एक फ़िक्स्ड फीस है, जो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि वेरी करता रहता है। और अगर आप रेट्स चेक करेंगे तो रेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। प्लस मैं आपको 3 ट्रांसफ़र लिंक्स जो हैं वो फ्री दे रही हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। अगर आपको लाइक जर्मनी टू इंडिया करना है या यूरोप में किसी भी कंट्री टू इंडिया करना है, आपको कर सकते हो। बाकी ये जो कंपनी है पेसेंट, ये बहुत सारी कंट्रीज़ को कैटर करती है। अब करते हैं कंटिन्यू टू दिस वीडियो, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में आपको रजिस्टर करना होता है, द डे आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको उसी दिन जो है वो रजिस्टर करना होता है हॉस्पिटल में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है, अदरवाइज़ हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल फाइंड आउट करने के लिए। तो जिस दिन हमें पता चला, हमने उसी दिन जो है वो हॉस्पिटल में, मतलब आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें फ़ोन किया। कुछ 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा हॉस्पिटल था, इससे पास नहीं था। लाइक इंडिया में कभी कभी बहुत ही पास हॉस्पिटल होते हैं, बट 4 to 5 किलोमीटर्स का था, अराउंड 20 मिनट्स लगते थे वहाँ जाने और आने में, बट वही सबसे पास था। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें बच्चों का भी जो है वो क्लिनिक था, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे के भी बहुत
सारे चेकअप होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो इसलिए हमने जो है वो चूज़ किया। यहाँ पर नर्सिंग होम्स भी होते हैं, कुछ छोटे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, आपको जैसा भी बुक करना है आप कर सकते हो। बट वी चूज़ कि मेरा भी देख रेख वहाँ पर हो जाए और बाद में जो बच्चे का भी जितना भी टेस्ट वगैरह होता है यहाँ पर वो हो जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो एक ग्रॉस हार्डन म्यूनिक में एक हॉस्पिटल है वो चूज़ किया। उसके बाद उन लोगों ने हमें अपॉइंटमेंट दी। तो जैसे अगर मेरी जो ड्यू डेट थी वो जनवरी में थी, तो उन लोगों ने जो अपॉइंटमेंट है वो नवंबर एंड में दी। बेसिकली ये जो अपॉइंटमेंट होती है इसमें ये लोग हमारा एक तो पूरा चेकअप करते हैं, लाइक मेरा पूरा चेकअप किया उन्होंने एंड ऑफ नवंबर में कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसके बाद जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो उन्होंने सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करी कि हॉस्पिटल में क्या है, कैसा होगा, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, बेसिकली जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पर वो बताया। और उन्होंने ये भी पूछा कि आपके कोई डाउट्स हैं या नहीं, प्लस जो उन लोगों ने चेकअप वगैरह किया था उनकी रिपोर्ट्स थी उनके पास सारी, तो वो देखते हैं अगर उसमें कुछ होता है तो वो आपसे बात करेंगे। मेरे में कुछ नहीं निकला था तो उन्होंने बात नहीं करा, बस एक चीज़ निकली थी कि मेरे को एकदम इनिशियली प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वो कोरोना हो गया था, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई, बस ये एक छोटी सी बात थी जो उन्होंने मुझसे पूछी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डेट पे वो आपको पूरा कुछ एक्सप्लेन करते हैं हॉस्पिटल के बारे में, कहाँ पर रूम्स हैं, ठीक है। फिर वो ये भी पूछते हैं कि आप कैसे बर्थ देना चाहते हैं, सी सेक्शन देना चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी देना चाहते हैं, तो ये सारी बातें जो हैं वो करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको उसके आंसर्स पता होंगे जो आप वहाँ पर दे सकते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस टाइम पे, वो आपको एक नंबर देते हैं, इमरजेंसी नंबर, और वो इमरजेंसी नंबर पे आपको तब कॉल करना पड़ता है या तो आपको पेन आए तो, और अगर आपको पेन नहीं आया और आपकी ड्यू डेट जो है वो निकल गई है तो ड्यू डेट के 3 डे बाद डायरेक्टली आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो उस नंबर पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जैसे ही कॉल करते हो तुरंत जो है वो लोग उठा लेते हैं। तो ये दो चीज़ें पर्टिकुलरली वहाँ पर होती है, बहुत टाइम लगता है, लाइक हम लोग सुबह गए थे एंड ऑलमोस्ट दोपहर में जो है वो पूरा सब कुछ प्रोसेस जो है वो फिनिश हुई। तो ये तो हो गई हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन एंड वो सारा कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद द टाइम जब आ जाता है, इन केस अगर आपको पेन स्टार्ट हो गए और आपके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो उस टाइम पे आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो और एम्बुलेंस जो है उसके थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हो। इन केस हमारे पास कार थी तो ऑफकोर्स हम लोग जो है वो खुद ही जा रहे थे, तो वी कैन गो लाइक दैट ऑल्सो कि आपको पेन आए और आप अपनी कार से वहाँ पर चले जाओ इमिडिएटली। आप मतलब पहले आपको कॉल करना पड़ता है एंड देन यू कैन गो देयर एंड देन फिर जो भी है वो लोग टेक केयर करते हैं। तो यही हुआ कि मेरे केस में ये था कि मुझे लेबर पेन नहीं आए ड्यू डेट के 3 डेज बाद भी, तो 3 डेज बाद फिर हम लोग गए, फिर उन्होंने सारा कुछ चेकअप किया। और यहाँ का प्रोसेस ये होता है अगर ड्यू डेट के बाद आपको लेबर पेन नहीं आते तो वो 10 दिन तक वेट करते हैं, 10 दिन मैक्सिमम, 7 डेज तक हॉस्पिटल, और फिर वो हमारी विश, लाइक मेरी विश के ऊपर हो सकता है कि मेरे को 3 डेज और वेट करना है, अदरवाइज़ ये पर्टिकुलर स्टेट का ये रूल है, मे बी अदर स्टेट्स के अदर रूल होते हैं, तो 10 डेज तक जो है वो वेट करते हैं। तो मेरे केस में यही हुआ। जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आ जाता है तो आपको क्या क्या पैक करना चाहिए, तो सबसे अच्छी बात होती है यहाँ के हॉस्पिटल में सब कुछ वो देते हैं खुद से, लाइक आपके कपड़े, मदर के कपड़े, बेबी के कपड़े, डाइपर्स, वहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें। तो मोस्टली जितना मैंने देखा वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था जब तक आप हॉस्पिटल में हो, बट स्टिल कुछ चीज़ें आपको जो है वो लेके जाना चाहिए। जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि आपके बैग में कुछ ना कुछ स्नैक्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो टाइम टू टाइम खाना आता था, तो ऑफकोर्स आपको यू शुड हैव समथिंग जो आप खा सकते हो पहले, मतलब डिलीवरी के पहले, तो वो स्नैक्स जो हैं वो रखना चाहिए आपको। आपका कुछ मेकअप का सामान, टॉयलेटरीज, ये सारी चीज़ें आपको रखना चाहिए। टॉवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो लोग नहीं देते हैं। इसके अलावा पानी, पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो वो लोग पानी टाइम टू टाइम आके देते रहते हैं और आपको चाहिए तो आप मांग सकते हैं, पर यहाँ का जो पानी होता है वो सोडा वाटर, लाइक कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स वाला वो पानी होता है, स्पार्कलिंग वाटर होता है, और वो स्पार्कलिंग वाटर मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वो मैं नहीं पी पाती थी। इवन जो नेचुरल वाटर था उसमें भी थोड़ा सा स्पार्कल था, तो इस वजह से मैं तो अपनी जो नॉर्मल मिनरल वाटर, जो एकदम जो अपना पानी जो अपन पीते हैं, वो लेके गई थी ताकि मैं अच्छे से पी पाऊँ, क्योंकि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी भी आपको लेके जाना चाहिए वहाँ पर। इसके अलावा आपके पेयर ऑफ क्लोथ्स, अगर जैसे मान लो मैं 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी बिफोर डिलीवरी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर कपड़े जो हैं, पैंटीज, ब्राज, ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, वहाँ लेके जाना चाहिए। प्लस स्वेटशर्ट वगैरह अगर आपको ठंड वंड लग रही है। एंड देन आपका एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़, जैसे आपके ईयरफोन्स हो गए, फ़ोन हो गया, अगर आपको कुछ चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो सेल्फी स्टिक वगैरह हो गई, तो ये सारा एंटरटेनमेंट, या बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बुक, क्योंकि वो जो टाइम होता है उसमें सिर्फ आप रहते हैं हॉस्पिटल के मतलब उस रूम के अंदर, तो आपके लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी चाहिए। फिर तो आपके हस्बैंड या आपके फैमिली मेम्बर होंगे, उनसे आप मंगा सकते हो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए एडमिट होते हो तो। खाना आपको मिलता है, बट ऑफकोर्स यहाँ का खाना मिलता है मोस्टली ब्रेड्स, या यहाँ का जो प्रॉपर फूड होता है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर इफ़ यू लाइक दैट तो आप वो खा सकते हो। मेरे केस में मैं टाइम टू टाइम लाइक लंच डिनर वगैरह जो है वो घर से मंगाती थी और घर का खाती थी। एक और चीज़ आपको हॉस्पिटल में बैग में रखना चाहिए अगर आप काफ़ी टाइम के लिए हो वहाँ पर, वो है ड्राई शैम्पू। वहाँ पर शैम्पू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो आप ड्राई शैम्पू रख सकते हो, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, तो थैंक्स टू हर, क्योंकि उसकी वजह से एटलीस्ट जब मैं थोड़े से होश में आई थी तो मैंने वो ड्राई शैम्पू किया था, क्योंकि बाल जो है वो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। तो ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो आपको आपके हॉस्पिटल बैग में रखनी चाहिए। इन बिटवीन बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट पहली बार सुना होगा, तारा जो है वो वीडियो के बीच में ही रोने लगी है। नहीं अभी तो किस बनाए, बेचारा दीपक को संभालना पड़ रहा है जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा। तो आप एक बार जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, चाहे आपको पेन आया हो या फिर आपको खुद से जाना पड़ा जैसे मेरे केस में था, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वो लोग भर्ती कर लेते हैं क्राइजाल यहाँ पर बोलते हैं, जो कि बेसिकली डिलीवरी रूम होता है, और उसमें सारा कुछ मतलब एक रूम होता है, उसमें मशीन्स होती हैं, बेड होता है आपका, प्लस प्रेगनेंसी पिलो होता है, वहाँ पर वार्डरोब होता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो जो ज़रूरत की, प्लस वॉशरूम जो होता है वो भी अटैच होता है। तो वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर आपको मॉनिटर करते हैं जितने भी दिन आप वहाँ पर रहते हैं, बेबी की सर्टेन चीज़ें वहाँ पर मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड प्लस वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो आपको आता रहता है, देन डिनर आता है, लंच आता है, यहाँ का जो भी होता है वो। तो आप वेजिटेरियन, लाइक मैं वेजिटेरियन थी तो मैं वेजिटेरियन मील्स उनको बोल दिया था पहले ही, जो फॉर्म फिल करना होता है, जो मैंने बोला था इनिशियली वो फॉर्म फिल करने में मैंने लिख दिया था वेजिटेरियन, तो मुझे वेजिटेरियन मील्स जो हैं वो आती रहती थी वहाँ पर। पर मैं वहाँ का नहीं खाती थी, जो मैंने आपको बताया कि मैं घर का खाना खाती थी, क्योंकि ब्रेड्स वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो वो हो गई वहाँ पर क्राइजाल। और एक बार जब टाइम आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एपिड्यूरल नहीं देते और पेन किलर्स भी नहीं देते हैं जब आपको लेबर पेन आना चालू होते हैं। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मतलब जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए और बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उन्होंने मुझे एक बॉटल चढ़ाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इसमें पेन किलर है, पर उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उतना ही पेन था। तो पता नहीं ये लोग पेन किलर आपको देते हैं या नहीं देते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर पेन्स, पर जब तक यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मतलब फर्स्ट बर्थ पे 4 सेंटीमीटर डायलेटेड नहीं होता है, तब तक एपिड्यूरल नहीं देते, और जैसे ही वो होता है तो दे विल गिव यू द एपिड्यूरल। तो अगर आपसे पेन सहन नहीं होता तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि हाँ आप एपिड्यूरल दे दो। एक बार जब आपको एपिड्यूरल वो लोग दे देते हैं तो आपको पेन से रिलीफ हो जाता है, और वो वेट करते हैं 10 सेंटीमीटर डायलेशन का। जैसे ही 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है, देन यू आर रेडी टू
गिव बर्थ, बट वो वेट करते हैं बेबी की पोजीशन का और उनका जो भी प्रोसीजर होता है, और ये पूरी प्रोसेस में जो है वो पूरा मॉनिटर करते रहते हैं बेबी की हार्ट बीट सही है या नहीं, आपको फीवर आ रहा है, लाइक मदर को फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक जो था इसमें कहीं पर भी हॉस्पिटल में, मतलब अंदर रूम में, वो जो पर्टिकुलर डिलीवरी रूम है उसमें किसी को भी अलाउ नहीं करते थे, पर जैसे ही दे गिव यू एपिड्यूरल या एपिड्यूरल के टाइम पे जो है वो अलाउ कर देते हैं आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक को, जो भी आपके सपोर्ट के लिए आना चाहते हैं, इट्स नॉट हस्बैंड, जो भी आना चाहते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, जो भी आना चाहते हैं वो एक जन को अलाउ करते हैं। अभी के टाइम पे क्या है, आपको कोरोना टेस्ट जो है वो लेके जाना पड़ता था, बट हाँ आप जब बाहर बैठे रहते हैं, जैसे दीपक बाहर बैठा था, वो कोई भी एक जन लाइक हेबामा गई और उसने बोला कि अब आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद दीपक जो था वो मेरे साथ था वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ा कि वी हैव टू गो, लाइक डॉक्टर्स ने बोला कि सी सेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बेबी पे भी आ रहा था, मुझे भी फीवर आ रहा था। तो ये भी जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं। तो डायलेशन के बाद मेरे लिए इन्होंने 4 hours और वेट किया, लाइक 5 hours तक वेट किया, एंड देन उन्होंने बोला कि नहीं अब थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो वी हैव टू गो टू सी सेक्शन। सी सेक्शन का डिसीजन इमीडिएटली लेते हैं, साइन वाइन कराते हैं सब कुछ और ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं, एंड 10 to 15 minutes में जो है वो सब ख़त्म हो जाता है। ये जो सी सेक्शन में जो ऑपरेशन होता है, पर्टिकुलर जो ऑपरेशन होता है, उसमें भी आपके हस्बैंड जा सकते हैं वहाँ पर। दीपक नहीं गया था क्योंकि दीपक वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, और फिर मैंने भी बोला, प्लस उसे ब्लड देख के भी थोड़ा चक्कर वक्कर आ जाते हैं, तो मैंने भी बोला कि यार उसको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो तुम मत जाओ, और मैं तो फिर गई, एंड देन आफ्टर 10 minutes वी हैव तारा। तारा हमारे हाथ में थी, मतलब मेरे को उन्होंने टच करवाया एंड देन दीपक को दिया, एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। और इमीडिएटली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कार्ड होता है, कार्ड में वो तुरंत पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्लिक करते हैं, बेबी का नाम, वेट और भी सारी डिटेल्स, प्लस उसका जो पैर होता है वो उस पर छापते हैं, और वो पर्टिकुलर जो कार्ड है वो आपको दे देते हैं। तो ये था फीलिंग, और इसके बाद हमको, मतलब मुझको जो है वो फिर से वो पर्टिकुलर रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद उन्होंने बेबी जो है मुझे दे दिया। ऑफकोर्स मुझे एपिड्यूरल का थोड़ा असर था, मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, लेकिन जैसे ही तारा मेरे हाथ में आई वो सारा पेन वेन जो है वो सब चला गया और एक अलग ही फीलिंग हुई। तो ये था। इसके बाद क्या होता है, ये लोग दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि 10th floor पे था यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो वो इमीडिएटली आपके बेड वेड के साथ शिफ्ट कर देते हैं। सी सेक्शन में नॉर्मली 3 दिन रखते हैं यहाँ पर, और नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 से 3 दिन जो है वो आपको यहाँ हॉस्पिटल में रखते हैं। तो उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट करते हैं। बेसिकली मैं जब वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो एक जन और था जिसका भी सी सेक्शन हुआ था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी, वो मुझे बताती रहती थी। रूम में भी सारी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे ही आपका डिलीवरी हुआ उसके बाद जो है वो आपको कपड़े वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहीं से देते हैं, तो वहाँ का प्रॉपर गाउन जो है वो आपको देते हैं। बच्चे के सारे क्लोथ्स जो हैं वो एक कबर्ड में रखे होते हैं, डिफरेंट साइज़ के डाइपर्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर बेबी को जो वो मिल्क होता है वो चाहिए होता है वो भी आप मांग सकते हैं, वो सारा भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो हॉस्पिटल में सब कुछ चीज़ अवेलेबल होती है, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पर एक बटन होता है वो दबाओ और आपके पास मिडवाइफ आएंगे जिन्हें हिबामा भी बोलते हैं, और आप उनसे बोल सकते हो, मांग सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प जो है वो करते रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये था, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो थोड़ा ज़्यादा केयर था, तो एपिड्यूरल लगा हुआ था कुछ टाइम तक। उसके बाद डॉक्टर्स आ रहे थे टाइम टू टाइम पर चेक करने के लिए कि सब कुछ जो है वो सही है या नहीं, तो ये सब जो है प्रॉपर मॉनिटर जो है वो होता रहा था। बेबी को जो है वो हिबामा मिडवाइफ जो है वो देख रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इस हालत में नहीं थी
एटलीस्ट पहले दिन कि मैं बेबी को कैरी भी कर पाऊँ या मैं खुद से उठ भी पाऊँ, तो उस टाइम पर डायपर चेंज करने से लेकर उसे अगर मिल्क चाहिए और अगर मैं फीड नहीं करवा पा रही हूँ तो वो भी वो पूरा केयर कर रही थी। तो ये था जो आई थिंक इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है। इंडिया में आपके फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं पर यहाँ पर वो करती है। फिर जब आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से उठ सको तो वो आपको डायपर चेंज करना सिखाएगी, कैसे करना है वो या आपके हस्बैंड को सिखाएगी, और फिर उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम खाना जो है वो आता रहेगा, पानी जो है वो आता रहेगा, तो वो जो है वो उसका वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। पर ऑफकोर्स हमारे जो डाइट प्लान्स हैं वो वेरी डिफरेंट होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उसके लिए दीपक जो है वो घर से खाना लेके आता रहता था। वहाँ पर चाय वगैरह चाहिए होती थी मुझे तो वो भी लेके आता रहता था। तो ये था। तो मैं थी ऑलमोस्ट 2 दिन वहाँ पर आफ्टर दिस ऑपरेशन। मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत आने लगा था। तारा बहुत ज़्यादा रोती थी रात में और मेरे को बहुत हेल्पलेस फील होता था क्योंकि मैं उठा नहीं पाती थी। और वहाँ पर उस टाइम पे 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे उस पर्टिकुलर रात में, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी मिडवाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो वो आ नहीं पा रही थी और ये बहुत रो रही थी। तो नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि यार हम घर चले जाते हैं, एटलीस्ट मुझे दीपक की तो हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए भी जैसे ही हमने डिसाइड किया कि यार हम जा सकते हैं, पहले तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल है आप जा सकते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सब एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बेबी के भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर टाइम टू टाइम आपके रूम पे आते हैं सारे ही, और वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। और रिटर्न फॉर्म में भी आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, जो भी दवाइयों की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे कुछ दिनों तक वो है इबुप्रोफेन खानी थी तो वो भी आपको दे देते हैं, आपको बेबी की भी दवाई दे देते हैं, तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। प्लस आपको घर के लिए कुछ लेके जाना है वहाँ से तो वो भी आप कैरी कर सकते हो। नॉट द बिग अमाउंट, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वहाँ के जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं वो आप कुछ दिनों के लिए जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं बल्क में, जब तक आप वहाँ पर हो अनलिमिटेड यूज़ करो। घर के लिए कुछ पैड्स आप रख सकते हो इफ़ यू वांट टू। और इसी के साथ ये जो पूरी प्रोसेस है वो ख़त्म होती है। एक बार जब वो बोलते हैं ठीक है जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप गाड़ी में बेबी को लेके जा रहे हो तो जो कार सीट होती है बेबी की वो होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती तो वो लेके नहीं जाने देते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट थी। तो दीपक को जैसे ही बोला कि यार अब हमको डिस्चार्ज चाहिए, तो दीपक इमीडिएटली घर आया कार सीट लेके, गया। फिर हमने बेबी को पूरा कुछ पहनाया, तो उसके लिए एक बेबी के क्लोथ जो है वो आपके सूट केस बैग में होने चाहिए जो आप लेके आओ, क्योंकि वहाँ के कपड़े ले पहन के आप बाहर नहीं आ सकते हो, तो वो एक कपड़ा बेबी का होना चाहिए। इसके अलावा बेबी का कुछ भी सामान आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस फिर हम लोग घर आ गए। घर की एक अलग कहानी थी, बट ये थी पूरी प्रोसेस जो कि आई डोंट नो, मतलब इनकेस कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं थी, जैसे दीपक को अंदर नहीं आने दिया था, एक सपोर्ट चाहिए था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी कि जो हिबामा थी वो हिमामा ने वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो टेक केयर की। तो हिबामा का रोल यही होता है कि जैसे हमारे यहाँ नर्सेज होती हैं, ये भी नर्सेज होती हैं जो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन भी करती हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं और आपको पूरा हेल्प करेंगी कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको एक सपोर्ट देंगे मोटिवेशन देंगे और आपको मतलब टाइम टू टाइम बताते जाएंगे कि ये करना है। प्लस आपके बेबी के लिए मतलब हेल्प भी करते हैं डायपर चेंज करने में, अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो वो भी हेल्प करते हैं। तो ये रोल होता है हिबामा का हॉस्पिटल में। आफ्टर मतलब घर में जो हिबामा का रोल है उसके लिए भी इफ़ यू वांटेड टू नो कि उनका क्या रोल है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि उनका क्या रोल है, क्योंकि वो हिबामा ने ऑलरेडी कुछ विजिट्स कर चुके हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी ये था। अब ऑलरेडी 4 वीक्स हो गए हैं आफ्टर डिलीवरी, आई एम फीलिंग मच बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है वो डेज से अब।
तो ये पूरा था डिलीवरिंग इन जर्मनी या जर्मन हॉस्पिटल में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी डिफिकल्ट डिलीवरी, ये पूरा था एक्सपीरियंस मेरा. आपका भी कुछ डिफरेंट हो सकता है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करना, और बाकी हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है वो देखना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.